इस सीजन में पिछली बार पटना पायरेट्स ने यू मुंबा को 20 पॉइंट से हराया था। आज यू मुंबा जीते नंबर 5 पे चले जाएंगे और मेरे साथ दौड़ के आ गए हैं मंत्रमुग्ध, मैं हूं सुनील तनेजा। थैंक यू वेरी मच सुनील, मैंने तो अपनी बनमस्का चाय की तैयारी कर ली है। आज ईरान के ये दो दोस्तों की युद्ध होने वाली है। लेफ्ट कॉर्नर पे नजर रखिएगा, सुल्तान फजल अतराचली सही वक्त पे फॉर्म में आ रहे हैं और जरूरत है यू मुंबा की। अभिषेक को देखिए, डू और डाई में 40 रेड में 19 सफल रेड है, 63 का रेड स्ट्राइक रेट। हाँ अटैक करेंगे, रनिंग हैंड टच आने वाला है क्या इनका, या बोनस की ट्राई करेंगे, बोनस की ट्राई की, शादलू ने कामयाबी हासिल की। 1 पॉइंट पटना पायरेट, पहला पॉइंट मोहम्मद रेजा शादलू के लिए इस मुकाबले में। और बहुत बढ़िया, क्या लगता है यहां बेहद करीब का, सचिन तंवर की उंगली ऑलमोस्ट पार कर गई थी। अंपायर कह रहे हैं कि लॉबी में आइए, ये दो सुपर डुपर रेड होने के आसार हैं दोस्तों। चार नहीं तो 5-6 का मामला बन रहा है दोस्तों, मामला बहुत करीबी है। क्या दूसरी साइड के कोर्ट को हल्का सा छू लिया है। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर से 5 पॉइंट्स पटना पायरेट्स, जहां पर पटना का पलड़ा भारी 26-18 से लीड कर रहे हैं। मोनू नंबर 55 वाले मोनू डुओ डाई रेड में आए हैं। मोनू डीप गए, मोनू कामयाब हुए, सुपर रेड 3 पॉइंट्स पटना पायरेट्स। आज सुपर रेड्स का दिन है। पहले मैच में आशीष, यहां पे सचिन और अब मोनू लगातार सुपर रेड कर रहे हैं। कैप्टन प्लीज बिफोर डिसीजन नो, दो खिलाड़ी बाहर कर दिए। इस बार निशाना लेफ्ट पे है शादलू को, इस बार लगातार शादलू पे निशाना है। 4 ट्राई की है अभिषेक ने, सचिन आए, सचिन ने शिकार किया, क्या बॉल है। 1 पॉइंट, यही प्लान था। राइट कॉर्नर पे बार बार अटैक कर रहे थे अभिषेक। सचिन भी कह रहे हैं कि मैं भी पूरा टाइम लूंगा। सचिन ने अगर व्हाइट लाइन को, बॉक लाइन को क्रॉस नहीं किया तो वो आउट होंगे। ये कबड्डी का दूसरा नियम है, पहला है कबड्डी कबड्डी बोलना। बॉक लाइन क्रॉस कर ली सचिन ने, पॉइंट भी ले लिए और पॉइंट भी एक या दो नहीं, सीधा 3। सुपर रेड, कहां 1 पॉइंट की सरकार थी, कहां 3 लुटा आए। बड़ा दिल रखते हैं यू मुंबा वाले, और ये रिस्क लेना था। पटना नंबर 1 पर थी और नंबर 1 पर अपनी जगह मजबूत कर ली है।